नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दलफरा, जिसके लिए हमने लिया है अरहर का दाल, थोड़ा सा आटा जिसे गूंथ कर रख लिया है, थोड़ा सा चावल, दो लाल मिर्च, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, थोड़ा सा अदरक, लहसुन और नमक। यहाँ पर हमने जीरा और लाल मिर्च को 10 मिनट पहले भिगो कर रख लिया था। अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। भिगा हुआ लाल मिर्च और जीरा, अदरक, लहसुन, इन सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे। देखिए, हमने पीस का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम दाल को धोकर कुकर में पकने के लिए रखेंगे। धुले हुए दाल को हम कुकर में डाल लेंगे, उसके बाद उसमें हम पीसा हुआ पेस्ट मिला देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाएंगे। अब हम इसे 3-4 सीटी पका लेंगे। 3-4 सीटी लगने के बाद देखिए हमारा दाल ऐसा बन चुका है। ये दाल अभी गाढ़ा है, इसमें हम पानी गर्म करके और मिलाएंगे। पानी को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम यहाँ रोटी के आकार का बेल कर इसे छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लेंगे। आप देखिए, हम इसे छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लिए हैं और इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है। और अब हम बाकी बचे हुए आटे का भी स्ट्रिप बना ले रहे हैं। अब हम दाल में गर्म किया हुआ पानी डालेंगे। आप देखिए, हमने पानी डाल दिया है दाल में। हम इतना पानी रखेंगे जिसमें हमारा ये आटा भी पककर तैयार हो जाए। इसके बाद हमने जो चावल लिया था उसे भी धोकर इसी समय डाल देंगे। चावल डालकर इसे हम 2 मिनट तक ढककर पका लेंगे। हमने चावल को 2 मिनट तक उबाल लिया है। अब हम इसमें अपने कटे हुए स्ट्रिप डाल देंगे। आप देखिए, हमने सारे आटे के स्ट्रिप डाल दिए हैं। अब इसे हम ढक्कन लगा कर बंद करके इसे हम 2 सीटी पका लेंगे। 2 सीटी के बाद हमारा दलफरा तैयार हो गया है। हमने इसको बाउल में निकाल लिया है और हम इसमें छौंक भी लगा दिए हैं। छौंक में हमने जीरा और लाल मिर्च का तड़का दिया है। आप देखिए हमारा कितना सुंदर दलफरा तैयार हुआ है। इसका एक पीस भी अलग अलग दिख रहा है। इसके ऊपर अब घी डालकर हम सर्व करेंगे। इसे पापड़ और चटनी के साथ खा सकते हैं। अब आप भी इसे अपने घर में ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।